भगवान ये नहीं कह रहे कि हम दुख सोच के दुखी हो जाए, हाय बुढ़ापा बीमारी, नहीं, प्रॉब्लम समझ के उसका निवारण करना। लोग बढ़ाई के लिए दान भी देते हैं, मेरा नाम आना चाहिए मेरा, वो बढ़ाई तो सबसे बड़ा कारण है, तुम भी कर दो, या भोग या योग, या भोग या योग। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे भोग कम करो तो योग अपने आप हो जाए। प्रभुपाद जी ने हिप्पीज में अमेरिकन को प्रसाद दिया, उनकी टंग को सेटिस्फाई किया। पहले ये नहीं बताया कि आप चार नियम करो, हरे कृष्णा करो, गीता बोलो, सब नहीं। ये भगवान 13.9 में बता रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जनम मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। बर्थ ओल्ड एज, डेथ डिजीज। व्याधि मतलब बीमारी, भगवान बोल रहे हैं देखिए, जन्म मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा है ना। हाँ, आजकल ऐप भी आते हैं ना, आप अपनी फोटो डालिए, जवान फोटो, यंग ऐसे, नहीं वो बुढ़ा दिखा देंगे, नहीं लाइक एनी वेज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और कोई वर्ड मीनिंग? यस माता जी, हाँ, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, निस्कोपिया मतलब इंद्रियों के विषयों से वैराग्य। हाँ, अहंकार कौन बताएगा? हाँ, अहंकार का, हाँ, अहंकार का उल्टा अहंकार, और कोई वर्ड मीनिंग? दुखा मीन्स दुख, दोषानु दर्शनम, दर्शनम मतलब इनका दर्शन करना एक तरह से। ओके, चलिए इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। सॉरी, रिनाउंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो सेंसेस को सेटिस्फाई करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे विरक्ति, भगवान बोल रहे हैं। ये अहंकार मतलब जो मिथ्या अहंकार है उससे मुक्ति, उससे मुक्ति। ये सेकंड आइटम है नॉलेज का। और फिर क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख को समझना, उसको दुख से दुखी नहीं होना, उसके दुख के समझ के उस दुख को सुलझाने के लिए उस पर कार्य करना, ये भाव है भगवान का। भगवान ये नहीं कह रहे कि हम दुख सोच के दुखी हो जाए, हाय बुढ़ापा बीमारी, नहीं, प्रॉब्लम समझ के उसका निवारण करना, ये है। कई बार सोचते हैं कि सिर्फ जन्म मृत्यु के बारे में बात करते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, नहीं, नेगेटिव तो है ही है, इसको हमें पॉजिटिव करना है, तो पहले हमें समझना है, देन वी कैन कम टू द पॉजिटिव। ओके, तो ये मेरे पीछे बोले, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। राइट, तो चलिए अब इसमें हम लोग एक एक क्वालिटी लेंगे। सबसे पहले लेंगे इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मतलब इंद्रियों के विषय में वैराग्य क्या होना, इंद्रियों के विषय क्या क्या है। आई गिव यू, आई मेक इट सिंपल। देखिए, ये हमारे सेंसेस हैं, फाइव सेंसेस आर देयर। टेस्ट, टंग का विषय क्या है, टंग का सेंस सब्जेक्ट क्या है? टेस्टी फूड, यस वेरी टेस्टी, लोग पागल हो जाते हैं टेस्टी फूड खाने के लिए, दे कैन पे, तभी तो देखिए कितनी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स खुली है, होटल्स खुली हुए हैं, क्यों? टंग को सेटिस्फाई करना। और भगवान बोले इसी इसी इंद्रियों के विषय से आपको क्या करना है, दूर रहना है, और संसार हमें इसी विषय में खींच रहे। खाने के बाद, हाँ, फिर इच्छा हो जाती है, हाँ, क्योंकि वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हाँ, आप सही कह रहे हैं माता जी, ये इच्छा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। आज आपने मसाला डोसा खाया, कल आपको मैक्रोनी खाने का मन, फिर चाउमीन खाने का मन, फिर मंचूरियन, फिर कढ़ी चावल, फिर राजमा चावल, फिर पनीर पकौड़ा, फिर पनीर बटर मसाला तंदूरी रोटी के साथ, फिर नान के साथ दाल मखनी है ना, फिर रायता के साथ कचौड़ी, कचौड़ी के साथ चटनी। सुनने, तो दैट वेज अभी, हाँ यस रोज, थैंक यू, आपने इनपुट दिया, तो आप समझ गए। तो इंद्रियों के विषयों, भगवान बोल रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, मतलब इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना।
जो सेंस ऑब्जेक्ट है उससे डिटैच रहना, मतलब उनसे आसक्त नहीं रहना। आपको तो पता है लोग कितना एक्सट्रीम तक जाते हैं कुछ टेस्टी खाने के लिए, कितना कुछ करते हैं, राइट, कितना पैसा खर्च करते हैं। होटलों में जाएंगे फाइव स्टार में, एक समय का बिल आता है 5,000 रुपये या 10,000, मंदिर में 10 रुपये, बाहर 10,000 दे देते हैं। सबसे फ्लरिशिंग है एक्चुअली, आपको सही बताएं, सही मायने में किसी को कंट्रोल करना है उसकी टंग को सेटिस्फाई करिए। इसको ना, इस प्रिंसिपल को प्रभुपाद जी ने यूज किया, प्रभुपाद जी ने हिप्पीज में अमेरिकन को प्रसाद दिया, उनकी टंग को सेटिस्फाई किया। पहले ये नहीं बताया कि आप चार नियम करो, हरे कृष्णा करो, गीता पढ़ो, ये सब नहीं, टंग को सेटिस्फाई कर दिया। खाने से हाँ, जैसा होगा अन्न वैसा होगा, और वैसा होगा जीने का ढंग। तो ये बड़ा साइंस है, किसी को कंट्रोल करना है तो वाइफ अपने हस्बैंड को अच्छा बनाती है तो वो संतुष्ट रहता है, गुस्सा नहीं करता। आप सबको अनुभव होगा है नहीं? और जिस दिन खाना उतना अच्छा नहीं होता वो चीखता है ना, वो कुड़कुड़ा हो जाता है, तो टंग सेटिस्फाई है ना कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों के विषयों से वैराग्य। तो टंग का समझ में आ गया, दूसरा क्या है? नोज, अच्छी गंध, राइट। तीसरा हियरिंग, श्रवण, शब्द। फिर साइट ऑफ ए टच, इसको हम लेंगे, इसमें हम लेते हैं पहले टच। टच में बताइए, देखिए क्या है सेंस ऑफ टच। टच के जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? कोई हिंद माता जी, कैन यू रीड द फर्स्ट पार्ट? खा ओनली स्पर्श, स्त्री पुरुष मिश्र आदि के साथ मिलने से, तथा ठंडा गर्म कोमल आदि से, अर्थात उनका त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है, राइट। स्पर्श का सुख से आप समझ गए, किसी से हैंडशेक किया, किसी को हग किया, या किसी ठंडे गर्म को छुआ, तो सेंस ऑफ टच। तो भगवान बोले उससे वैराग्य। ठंडा गर्म से कैसा वैराग्य होगा? नहीं नहीं, ठंडा गर्म को वो मतलब इसके सॉल्यूशन भी आएंगे। वैराग्य मतलब ये नहीं है, मतलब वैराग्य मतलब उसे आसक्त नहीं होना, उसे यूज करना है बट स्टे डिटैच्ड। इस संसार में किसी भी चीज से आप अटैच रहेंगे तो संसार में आना पड़ेगा उसे भोगने के लिए। सिंपल सी बात यह है, कोई भी चीज हो, कोई भी इंद्रियों का विषय हो, तभी भगवान बोले सारे इंद्रियों के विषयों से वैराग्य। और नहीं भी लेंगे तो बुढ़ापा जबरदस्ती कर देगा वैराग्य। बुढ़ापा में आपके सेंसेस वीक हो जाएंगे, आप नहीं कर सकते एंजॉय। देख लीजिए हो रहा है, बूढ़ा आदमी देख लेता है, यू नो, जैसे हम देखते हैं, नाम नहीं लेंगे, कुछ माताएं बहुत बूढ़ी हैं, अबे तो देखते हैं इतना अच्छा पकवान बनाया, हम नहीं खा सकते क्योंकि शरीर नहीं लेगा ना। तो जबरदस्ती वैराग्य होने से अच्छा है भजन करके, भक्ति में, प्रेम में, सेवा करके वैराग्य ले लो। तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, भगवान बोल रहे हैं ये, मैं नहीं बोल रहा जबरदस्ती, मैं क्यों सुपर इम्पोज करूंगा किसी पे, क्योंकि ये बड़ी सच हमेशा कड़वा होता है। तो पहला हमने देखा टंग, फिर स्पर्श, फिर रूप, नेत्रों के लिए। नेत्रों के लिए कौन पड़ेगा माता जी? यस, आप पढ़ेंगे हरिनर रूप, नेत्रों को रूप। राइट, नेत्रों से जो सुख मिलता है तो उसे भी हमें डिटैच रहना है, सिनेमा तमाशा खेल देके वो सब। और फिर रस, रस क्या है? टंग, टंग वाला। टंग से हमने डिस्कस किया था मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, छह प्रकार के रस हैं, उनको जो चखने से जो सुख होता है वो टंग का सुख है, बड़ा सुख मिलता है। तो भगवान बोलो सुख से थोड़ा डिटैच। हमारे कई सन्यासी हैं और कई जो एडवांस डिवोटीज हैं मंदिर में, कार्तिक मास में वो सिर्फ कहते हैं खिचड़ी खाएंगे। आप एक बार ट्राई करिएगा, मैं नहीं बोल रहा आप खिचड़ी खाइए, आप इससे थोड़ा सा डिटैच रहने की कोशिश करिए, आप देखिए आपका जप कितना अच्छा हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं ना आठ माला चार माला में संघर्ष करते हैं, आपकी वो हो जाएंगी 64 माला, क्योंकि जितना इसमें कम रस उतना भक्ति में ज्यादा रस, जितना इसमें ज्यादा रस उतना भक्ति में कम रस, ये है सिद्धांत। भगवान कहेंगे या भगवान कहते हैं या भोग कर लो या मेरे साथ योग कर लो, या भोग या योग, या भोग या योग। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे भोग कम करो तो योग अपने आप हो जाएगा, बट आप योग भी चाह रहे हो और फिर भोग भी चाह रहे हो, दोनों चीज़ें मुश्किल हैं, मुश्किल हैं। एक्चुअली मैं भी प्रार्थना करता हूँ मेरा भी भोग कम हो और योग ज़्यादा हो, मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, मतलब ऑफकोर्स बट लाइक नॉट सो ईजी, बट हम ये तब हो सकते हैं जब भक्तों के संग हो, और हम जब साधना अच्छी करते हैं तो अपने आप ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भोग से अब विरक्त रहना है, राइट। हाँ, तो इसके इस पॉइंट पे भी आऊंगा जो स्मेल आ रही है, जितना अवॉइड नहीं कर सकते वो तो है ही ना। प्रभु जी आप यहाँ में भोग तो करवा
हाँ मधु जी, तो मधु जी उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, इसका पॉजिटिव ऑल्टरनेट पे मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू द पॉजिटिव ऑल्टरनेट, यस मधु जी, आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट। उससे पहले देखिए गंध, नाक का, नाक से यू नो अलग अलग गंध होती है, कुछ सुगंध होते हैं और कुछ दुर्गंध वाले पदार्थ होते हैं। उनको सूंघने से जो सुख होता है वह गंध का सुख है, उससे भी हमें डिटैच रहना है। इसे नहीं मैं आऊंगा मतलब उस पॉइंट पे। ऐसे ही कुछ सुख पांच, अभी तो मैंने आपको बताया पांच इंद्रियों से क्या क्या सुख मिलता है। ये क्लियर हो गया सबको? हम सब सब जीवात्मा इससे सुख ले ही रहे हैं नेचुरली, जीवन का लक्ष्य लोगों का इससे सुख लेना, फैक्ट है। बट भगवान बोलने से सुख नहीं लेना। और इसके अलावा दो तीन चीजें और हैं, उनसे भी सुख मिलता है। मान, कोई हमारा सम्मान कर दे, बड़ा सुख मिलता है मन को। कोई हमारी प्रशंसा कर दे, आपने बड़ी सुंदर साड़ी पहनी आज, तो आप बिल्कुल 40 साल के लग, मतलब 30 साल के लग रहे हो, नहीं? यू आर सो हैंडसम, यू आर सो ब्यूटीफुल। हाँ भाई, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, कमिंग टू, हाँ अभी मैं आऊँगा। पहले मैं ये तो समझा दूँ ना, सो दैट वी कैन अप्रिशिएट द सॉल्यूशन मोर। तो बड़ाई, राइट, बड़ाई भी हमें कोई करता है बड़ा अच्छा लगता है, नहीं? इज इट नॉट, इज इट अ फैक्ट? लोग बढ़ाई के लिए दान भी देते हैं, मेरा नाम आना चाहिए मेरा, वो बढ़ाई तो सबसे बड़ा कारण है। बच्चा स्कूल में मेहनत करता है, स्कूल पूरा उसके लिए तालियां बजाएगा। तो इससे भी होने वाला जो सुख है वो भी इंद्रियों से होने वाला सुख है, उससे भी हमें वैराग्य लेना है। तभी जो साधु संत होते हैं पूरी दुनिया उनके लिए ताली बजाए या कोई ना बजाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सबसे ऊपर होते हैं। फिर क्या है? आराम, शरीर से परिश्रम ना करने से, निकम्मे रहने से आराम का सुख, तमोगुणी सुख, वो भी नहीं लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, ये होना बहुत जरूरी है। तभी कई साधु संत दूर जाके तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, ताकि इंद्रियों से उनका वैराग्य हो पाए। तभी इंद्रियों से वैराग्य लेना अमेरिका में इजी है या दिल्ली में इजी है? दिल्ली में इजी है, क्योंकि अमेरिका में हर जगह सेंस एंजॉयमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। गोवर्धन इजी है, दिल्ली इजी है मेरे लिए, तो ऑफकोर्स गोवर्धन इजी है, सभी के लिए गोवर्धन नहीं दिया। वहाँ पे आपको चाहते हुए कुछ इंद्रियों की विषय मिलेंगे नहीं, गिराजी ने कुछ रखने ही नहीं दिया वहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ गिराजी मिलेंगे आपको और राधे राधे सुनने को मिलेगा बस। माता जी, तो ये सब सवाल तो बाद में हो जाएगा, ले चलेंगे माता जी आपको। तो ठीक है, तो इंद्रियों से वैराग्य। अब इसके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षाप्रद शास्त्रों में एक आता है, एक से क्या बोलेंगे, एक कहानी आती है, कहानी बोल सकते हैं जो भी बोलेंगे। तो इसमें देखिए ये है, प्रकृति में कई जीव ऐसे हैं जो हमें सिखाते हैं कि अगर हम इंद्रियों का सुख लेंगे, ध्यान से सुनिए, अगर हम इंद्रियों का सुख लेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। प्रकृति के कुछ जीव हमें ये सिखाते हैं, देखिए, और इंद्रियों का सुख लेंगे, पहला जीव है ये मौत, ये सुना है आपने, पतंगा। पतंगा क्या होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, वो अग्नि के रूप से बहुत आकर्षित हो जाता है, बहुत ज्यादा, इतना आकर्षित हो जाता है कि उसका ज्ञान ढक जाता है, उसको पता नहीं चलता, वो सीधे अग्नि में खत्म, स्वाहा। जो रूप रंग से आकर्षित हुए, जाने जीवन में कितने तबाह हुए, कुछ ऐसा था ना रंग रूप से कितने, यू नो, मुझे तो याद भी नहीं है। तो कुछ तो जो रंग रूप से जो संसार से आकर्षित हो गए, तो पतंग से हमें। और इसका ऑल्टरनेट क्या है, तो हमें, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है आकर्षित होना, तो हमें किससे आकर्षित होना है, किसके रूप और रंग से? दिस इज अ पॉजिटिव ऑल्टरनेट। जब भगवान कृष्ण श्याम सुंदर त्रिभंग रूप से हम मुरलीधर कृष्ण से आकर्षित हो जाएंगे, तो हमें कुछ करना ही नहीं, अपने आप ही संसार फीका लगेगा, अपने आप ही। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और जितना ज्यादा इससे हम आकर्षित होंगे, इस संसार के रंग रूप से, उतना ही हम भगवान से आकर्षित होंगे और उतना ही हमें दुख मिलेगा, क्योंकि संसार का जैसा रूप है वो हमेशा रहने वाला है, वो टेम्परेरी है, वो खत्म हो जाएगा। मतलब जिससे हम आकर्षित हो रहे हैं वो है ही नहीं, वो कुछ ही समय के लिए है, ये माया है, इसे क्या बोलते हैं, माया। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमें और भगवान का जो स्वरूप है, रूप है, वो हमेशा रहने वाला है या खत्म होने वाला है?
तो अगर हम उस रूप से किसी तरह आकर्षित होंगे तो क्या होगा, हमारा आकर्षण इस संसार से अपने आप कम हो जाए। तो यह सेंस ऑफ साइट इंद्रियार्थेषु वैराग्यम का यह मतलब है, हमें आकर्षित होना है रूप से, बट भगवान के रूप से। अब आप देखिए आजकल के स्मार्टफोन, मीडिया, फेसबुक, सब चीज में संसार के रूप रंग से आकर्षित करवा रहे हैं वो। बताइए बच्चों का क्या होगा, बताइए संसार का क्या होगा, लोग सुखी होंगे या दुखी होंगे? इंद्रियों में और भोग करो, इतना भोग करो तुम पागल हो जाओ, इतना ये है संसार। और जहाँ पे हम बताते हैं इंद्रियों से वैराग्य लो, वहाँ पे अटेंडेंस क्लास की में ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, मतलब ज़्यादा लोग रुचि नहीं लेते ना इंद्रियों से, कौन वैराग्य लेगा। कहते नहीं पूरा जियो कल हो ना हो, है ना, एक ये भी फिलोसफी है, आज पूरे मजे लो कल हो ना हो ना। तो हम सबको इंद्रियों से वैराग्य लेना है, सेंस ऑफ साइट को किसमें लगाना है, तभी सुबह उठते ही ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, ठाकुर जी का गुणगान करना है। ऑलराइट, आगे चलें, ये पॉजिटिव ऑल्टरनेट है। सेकंड क्या है, सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल से, जो स्मेल के विषय हैं उनसे क्या होता है, मधुमक्खी होती है ना छोटी सी, वो लोटस में बैठ जाती है, उसे लोटस की कमल की गंध इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इतनी ज़्यादा कैप्टिवेट कर देती है कि वो उसी में गंध लेती रहती है, और शाम होते हुए कमल जब है बंद हो जाता है, और मधुमक्खी उसी में ट्रैप हो जाती है, और वो तो इस चक्रों में भी जो गंध के सुख में भी जो फंस गया उसका विनाश। तो हमें क्या करना है, गंध लेनी है, बट कैसे लेनी है, भगवान को अर्पित फूलों से हमें गंध लेनी है। तभी प्रभुपाद जी ने हर आरती के बाद पुष्प को हम सबको भेजा है सूंघने के लिए, ताकि जो हमारा सेंस है गंध लेने का वो भगवान की सेवा में यूज हो पाए। मतलब इस संसार में माता जी देखिए, कोई भी चीज़ है जो आपको आकर्षित करी है संसार की, कोई भी चीज़, तो आप संसार में रहेंगे या नहीं उसे भोगने के लिए, तो आप गोलोक धाम कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम तो वही जाएगा ना जो इस संसार से आकर्षित नहीं है, जो भगवान से आकर्षित है। संसार में आप किसी भी चीज से आकर्षित हो रहे हैं तो आप संसार में रहेंगे, क्योंकि आपकी वो इच्छा है, और भगवान वैसा ही शरीर हमें देते हैं जैसी हमारी इच्छा होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट। तो एवरीथिंग इज वेल कनेक्टेड एंड यू नो वी कैन अंडरस्टैंड। तो गंध को भी भगवान, सेंस ऑफ स्मेल को भी हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, पुष्प को, भगवान को अर्पित पुष्प को सूंघ के, या भगवान को अर्पित जो समोसा प्रसाद है उसको सूंघ के, वो भी कोई बोल रहा था ना समोसा प्रसाद, तो हाँ जी, तो ऐसे ऐसे गंध को भी, है ना रेखा माता जी, गंध को भी हम सेवा में भगवान को अर्पित करके, तो आप पुष्पों की होली भी खेलिए, क्या दिक्कत है, भगवान को अर्पित करके, भगवान को सेंटर में रख के देर इज फुल इंजॉयमेंट, और उसे आप कभी दुखी नहीं होंगे। चेयर खोल उधर बैठ जाइए बोलिए, ओके ये क्लियर हो गया। पहला क्या था जो डायग्राम में हमने बताया, सेंस ऑफ साइट, फिर सेंस ऑफ स्मेल, फिर क्या है, सेंस ऑफ साउंड। शिकारी पुराने टाइम में शिकारी जब हिरन को पकड़ता था तो क्या करता था, वो बजाता था क्या बोलते हैं उसे, म्यूजिक, फ्लूट बजाता, और हिरन जो है वो मधुर आवाज सुन के अपने काबू, अपने आप को काबू से छोड़ देता है, भागता है कहां से आवाज आ रही है। सपेरा भी सांप को ऐसी पकड़ता है। तो देखिए ये हो गया ना कैप्टिवेट साउंड से, ऐसी ये भौतिक संसार की इतनी सारी आकर्षण ध्वनि है जो हमें संसार में इन्वॉल्व करती है और हमें संसार में पूरा लगा देती है, राइट। तो हमें उससे आकर्षित नहीं होना, हमें कौन सी साउंड से आकर्षित होना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो ध्वनि जो है वो हमें महामंत्र की ध्वनि से, भगवान के कीर्तन की ध्वनि से, भगवान की कथा की ध्वनि से, भगवान के गीता में श्लोक उच्चारण की ध्वनि से आकर्षित होना है, राइट। हमें इस संसार की ध्वनि से आकर्षित हो गया तो हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। भगवान गीता में बोलते हैं कोई भी इंद्रियां जब इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आती है तो उसे जो सुख मिलता है, सुख तो मिलता है ये सुनो, बहुत ज्यादा सुख मिलता है, वो जो सुख मिलता है उसका आदि अंत, उसकी शुरुआत भी और उसका अंत भी है। कोई भी ऐसा इस संसार में सुख नहीं है जिसका सिर्फ शुरुआत ही हो अंत ना हो, और भगवान बोल कह रहे हैं वो उसका शुरुआत है उसका अंत है, और बाद में वो दुख देता है। आप लेके देख लो, कोई भी सुख ले लो संसार का जो इंद्रियों के विषय से संपर्क में आने से होता है, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योना एवते, वो दुख का स्रोत है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, जितना ही संसार को हम इंजॉय करने की भावना होगी उतना हम दुख का वेलकम कर रहे हैं, दुख को, और दुख आएगा ही आएगा ये भगवान बोलते हैं, क्योंकि वो जो सुख है वो हमेशा रहने वाला नहीं है, उसका शुरुआत है उसका अंत भी है।
बट भगवान की भजन में, भक्ति में जो सुख है वो शुरुआत है और वो चलता ही रहता है, एवर इंक्रीजिंग। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विवेकवान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं सनातन धर्म को, कल्चर को, वो भगवान की भक्ति में दृढ़तापूर्वक लग जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है संसार में ना सुख था, ना है और ना रहेगा, ना ही संसार में रहने, ना मैं संसार का हूँ, ना था और ना रहूँगा, मैं भगवान का था, भगवान का हूँ और भगवान का रहूँगा, मेरा कृष्ण से संबंध था, है और रहेगा, जो मैं भूल चुका हूँ। तो वो जो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी सोचता है, अपने को पूरा भगवान में लगा लेता है। ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट, दैट इज वाई पीपल आर सो मच अनहैप्पी, क्योंकि उनको पता ही नहीं हैप्पीनेस कहाँ है, राइट? दैट इज द रीजन। ओके, तो हिरन भी फंस गया उसके जाल में, तो हमें साउंड को भी भगवान की सेवा में लगाना है, कीर्तन सुनना है, भजन सुनना है, इवन स्मार्टफोन में भी हम सुने कीर्तन भजन लेक्चर सुनना है। अगला क्या है? सेंस ऑफ टच। पुराने टाइम में, अभी तो नहीं, पुराने टाइम में जब हाथी को पकड़ते थे ना, कैसे पकड़ते थे? उसके आगे जो है एक गड्ढा खोदते थे, यू नो दैट, और गड्ढे को घास से ढक देते थे, गहरा गड्ढा, और वहां से हथनी को निकाल देते थे पास से, और हाथी हथनी को देख के आकर्षित हो जाता, और हथनी को देख के आकर्षित होता था, और हथनी उसी रास्ते से जाती थी, हाथी गड्ढे पे फंस गया, देवदास बन गया हाथी भी, लैला मजनू। तो हाथी जब फंस गया गड्ढे में, फिर महाभारत क्या कहता है, उसे मिट्टी भरता है गड्ढे में, हाथी अपने आप ऊपर आ जाएगा, तो हाथी को लगता है इसने मेरी रक्षा की, तो हाथी उसका गुलाम बन जाता है, और वही हाथी फिर आप सर्कस में देखते हैं। तो दैट वे इज अ ह्यूमन बींग कंट्रोल्स ऑफ जाइजेंटिक एनिमल एलिफेंट। तो कहने का मतलब सेंस ऑफ टच, जो छूने की इच्छा है, जो भोगने की इच्छा है, उससे जो है हाथी मद हो गया, पागल हो गया, और उसी के वो शिकार बन गया और पूरे जीवन भर गुलाम बन गया, राइट? तो ये जो है ये भी बहुत खतरनाक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर आजकल लोग ले रहे हैं, वैलेंटाइंस डे, रोज डे, किस डे, राइट? तो ये सारे कल्चर लोग ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, सेंस ऑफ टच को और ज़्यादा एग्रीवेट कर रहे हैं या कम कर रहे हैं? सब लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, सब लोग। बहुत मुश्किल है बचना, बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अंटिल हम भगवान का नाम की शरण लें। भगवान के नाम की जो शरण लेता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। ओके, आगे चले। हाँ, इसे, हाँ, पॉजिटिव, हाँ, थैंक यू माता जी। अपनी इंद्रियां जो है ना उसको भगवान की सेवा में लगाना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, राइट? तो भगवान की सेवा हर तरह से हो सकती है। हाँ, कुकिंग करके लगाना, भगवान के लिए वस्त्र सिलना, भगवान के लिए गार्लैंड बनाना, भगवान का मंदिर को मार्जन करना, संतान उत्पत्ति करना, ये सोच के कि जो संतान है उसको कृष्णा कॉन्शियस करना, वो भी भगवान की सेवा है। भगवान गीता में बोलते हैं संतान उत्पत्ति के लिए जो काम है वो मैं हूँ, गीता में भगवान में ये बोलते हैं। तो उसके लिए भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, पर भगवान को हम स्वीकार तो करें। तो हर इंद्रियों को भगवान। अगला क्या है? ये बेचारी मछली है ना, मछुआरे ने क्या डाला, हुक में डाल दिया एक सुंदर खाने का टुकड़ा और पानी में डाल दिया। मछली के पास इतना कुछ है खाने को समुंदर में, बट उसे वही टुकड़े में गया और वो उसने खाया और वो फंस गई, राइट? तो जो खाना, देखिए हम क्या होता है, कई बार बड़ा टेस्टी होता है, हम खा लेते हैं और बाद में पेट पकड़ के बैठे रहते हैं दो तीन दिन, वही कितना अजीब हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं था। हमने गीता क्लास नहीं की थी, हम आए नहीं थे जिस दिन हुई थी गीता क्लास, या हुई भी थी हम आए भी थे पर टाइम पे नहीं आए, कई सारे वो हो सकते हैं ना ऑप्शंस। तो हमें गीता क्लास में टाइम पे आना है, सही समय पे आना है, और स्मरण करना है, और इसको लिखना भी है, और गीता खोल के भी पढ़ना है, तब होगा पूरा, है ना? कई ऑप्शंस होते हैं ना, तो हमें सीरियस रहना है। तो इसमें क्या है, सेंस ऑफ टेस्ट, उसे मछली फंस गई बेचारी, और मछली को अपने प्राण त्यागने पड़े, तो सेंस ऑफ टेस्ट की वजह से भी बहुत समस्याएं होती है, बहुत समस्याएं होती हैं। मैंने खुद देखा है घरों में लड़ाई हो जाती है, वाइफ अगर कुछ कुक कर रही है वो अच्छा बना है, हस्बैंड को थोड़ा उसमें नमक कम ज़्यादा वो घर उठा देता है, तो वो सेंस ऑफ टच है जो आदमी को लड़ाई करवाता है, क्योंकि वो टेस्ट नहीं आया जो उस वो बोलते हैं ना कई बार हस्बैंड लोग कि उनके घर जैसा जो स्वाद बना था वो तुम क्यों नहीं बना पा रही हो, और वो चीखता है, वो कई लड़ाई करता है नहीं? उसके घर जो स्वाद मुझे मिला फॉर इंस्टेंस इडली सांभर में, वो तुम इडली सांभर क्यों नहीं बना, कई सारे मैनी थिंग्स आर देयर। सॉरी मैडम जी, आजकल माँ को ले आओ खाना बनाने के लिए।
अच्छा माँ जैसा क्यों नहीं होना वरी तो दैट वाज सो सेंस ऑफ टेस्ट. तो इसको हम कैसे लगाते हैं, जो भी बनाते हैं ये सोचिए भगवान के लिए बनाना है, उसमें क्या होता है, और भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें आशीर्वाद मिल जाता है. और हस्बैंड अगर कमी भी निकालेगा नो प्रॉब्लम, उसे आप खिलाएंगी तो उसकी चेतना बदलेगी या नहीं, बहुत जल्दी बदलेगी. तो उसको जब आप खिलाती हैं तो उसकी चेतना बदलती है. ओके तो आप सबको ये समझ में आ गया, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम. ओके वी कम टू दिस श्लोक अगेन, मेरे पीछे बोले इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, सबको समझ में आ गया, पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों के विषय हैं, तो उनसे हमें डिटैच रहना है, उसको रेगुलेट करना है भक्ति में. ऐसा नहीं हमें अच्छा नहीं देखना, अच्छा नहीं सुनना, अच्छा नहीं सुनना. भक्त लोग तो सबसे अच्छा देखते हैं, सबसे अच्छा सुनते हैं और सबसे अच्छा खाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को अर्पित करके खाते हैं. भक्तों से अच्छा तो कोई खा ही नहीं सकता. स्वच्छ चीज खाते हैं, पवित्र चीज खाते हैं, धो के खाते हैं. जो कुक है वो नहा के कुकिंग करता है, और जो मेन्यू बनता है वो कोई जानता भी नहीं है. भोग लगने के बाद हम देखते हैं क्या बना है ना, और बांटा जाता है. तो भक्तों से अच्छा तो कोई लेता ही नहीं है. तो हम ये ना सोचें कि हमें इंजॉयमेंट से दूर करें. प्रभुपाद ने कहा यू चैंट एंड डांस एंड ईट एंड गो बैक होम बैक टू क्वार्टर. कलयुग में क्या करना है आपको, चैंटिंग करनी है, कीर्तन में डांस करना है और प्रसाद लेना है. यही करने के मात्र से आप क्या है, भगवत धाम. क्योंकि भगवान को मालूम है कलयुग में वैराग्य इतना आसान नहीं है, तो कृष्णा को जोड़ेंगे तो अपने आप ही वैराग्य आ जाएगा. ठीक है. और प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारी इंद्रियां इतनी स्ट्रांग हैं कि वो इंद्रियां भोगना चाहती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट प्रभुपाद राइट्स इन भगवद गीता तात्पर्य, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अनकंट्रोलेबल सेंस इज द टंग. टंग को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है सारे सेंसेस में, क्योंकि टंग अगर कंट्रोल हो जाती है सब कंट्रोल होता है. इफ वन कैन कंट्रोल द टंग देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द अदर सेंस. राइट, द फंक्शन ऑफ द टंग इज टू एंड टू वाइब्रेट. टंग का काम है टेस्ट करना और बोलना. देयरफॉर रेगुलेशन करके टंग शुड बी एंगेज इन टेस्टिंग प्रसादम. यस, प्रसादम फूड ऑफर टू कृष्णा एंड चैंटिंग. तो टंग का काम होना चाहिए प्रसाद लेना और एज फार एज आईज आर कंसर्न. प्रभुपाद जी सेम बात बता रहे हैं, आंखों से हमें वी शुड सी द ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा. तभी देखिए प्रभुपाद जी ऐसे ही नहीं बोल रहे, प्रभुपाद जी ने विग्रह दिए इतने सुंदर सुंदर. आप देखिए राधा माधव, देखिए ये आज के मंगल आरती का दर्शन है, कितना सुंदर दर्शन है. आप देखिए ध्यान से, सच अ ब्यूटिफुल दर्शन है ना. तो सेंस ऑफ साइट को इतने सुंदर दर्शन प्रभुपाद जी ने तो दिए सारे डिटीज. तो प्रभुपाद जी हमें ऑल्टरनेट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बोल रहे हैं ये नहीं करना ये नहीं करना. प्रभुपाद इज गिविंग अस ऑल्टरनेट, और इतना ऑल्टरनेट को पूरे दुनिया में फैला दिया, इवन GK3 में भी आ गया ऑल्टरनेट. एक्चुअली संसार में कोई वस्तु है ही नहीं ऐसी जो भगवान के वास्तव कलर को मैच करा ले. घन श्याम है ना वो, तो जो भी नियरेस्ट है अपना. बट भगवान प्रकट हो जाते अपने विग्रह में जब भक्त लोग उसको भक्ति के साथ करते हैं. तो हम कहाँ थे माता जी, ईयर्स को हियरिंग में, नोज को स्मेलिंग में, है ना. भक्ति के मार्ग में क्या है. ओके सो दिस इज द आइडिया, क्लियर हो गया. सेंस ऑफ साइट को किस में एंगेज करना है, भगवान को देखने में या मूवी देखने में. मूवी भी तो भगवान की संबंधित. सेंस ऑफ हियरिंग को भगवान, सेंस ऑफ टेस्ट को प्रसाद लेने हैं, या गॉसिप करने में गार्डन में चैंटिंग में. सेंस ऑफ टच को सेवा संबंधित. वेरी गुड वेरी गुड. और क्या कौन सा सेंस बचा, स्मेल, भगवान को अर्पित फूल को. बस योर लाइफ इज परफेक्ट. हाँ इस पे करते हैं, लाइफ इज परफेक्ट. यही है सिंपल, दिस इज ऑल, दिस इज ऑल. सीरियसली कलयुग में भक्ति इज दैट सिंपल. राइट, तो इस तरह से हम इसे इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों से अपने आप ही हमें वैराग्य आ जाएगा इंद्रियों. राइट, आगे चले. अनहंकारा, अनहंकारा मतलब भगवान क्या बता रहे हैं, हाँ फॉल्स ईगो ना होना. फॉल्स ईगो क्या होता है, मैं शरीर हूँ, ये एक फॉल्स ईगो है.
एक्चुअली मैं शरीर तो हुई नहीं तो शरीर से संबंधित मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और शरीर से संबंधित जो भी है उसको मैं अपने आप को सेंटर में रखता हूँ तो वो फॉल्स ईगो है। तो भगवान बोल रहे हैं उससे दूर रहना, अहंकार से दूर रहना। वी शुड हैव रियल ईगो। रियल ईगो क्या है कि हम शरीर हैं, आत्मा है, हम आत्मा हैं और आत्मा कृष्ण का अंश है। तो रियल ईगो से हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा दैट इज रियल ईगो। वी शुड टेक प्राइड इन दैट। उसके लिए प्राइड होनी चाहिए हमें। वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। हनुमान जी के पास वो प्राइड थी ना, आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, राइट। तो दैट इज रियल ईगो। बट फॉल्स ईगो जब हम ये कहते हैं हम शरीर हैं, उससे संबंधित चीजें हमारी हैं, तो वो गलत है। दैट इज अ फॉल्स। द फॉल्स ईगो मीन्स एक्सेप्टिंग दिस बॉडी एज वन सेल्फ। ओके, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो उससे मुक्ति। एंड देन कृष्णा सेज जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये समझना कि ये दुख है और इससे निकलने का जो है प्रयास करना, इस दुख के कारण की खोज करके उसे मिटाना, ये भगवान का उद्देश्य है इस श्लोक में ये बताने का। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं बुढ़ापा, बीमारी, जन्म, मृत्यु, ये हमें पैसिमिस्टिक अप्रोच नहीं बता रहे कि हम नेगेटिव हो जाएं, हम दुखी हो जाएं। भगवान इसलिए बता रहे हैं ताकि जो है दुख जो है उस दुख के कारण की हम खोज करें और उस दुख को मिटाएं। दुख के कारण, इस दुख के कारण की क्या मेन कारण है, ये दुख क्यों मिलता है हमें, क्योंकि कि हम भगवान से विमुख हो गए, है ना। कैदी जेल में क्यों दुख ले रहा है, क्योंकि सरकार के नियम उसने पालन नहीं किए। तो इस संसार में हम आए हैं क्योंकि हम भगवान के बनाए हुए नियमों से पालन नहीं कर रहे, उससे विमुख हो गए, तो ये दुख का कारण है, राइट। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख का कारण हमें मिल गया। तो अब हमें सॉल्यूशन क्या है, भगवान के विमुख होना है या उनके टुवर्ड्स होना है। ओके, आप देखिए जन्म कैसा होता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित है, भगवान गीता में बोलते हैं ना जायते मिर्यते वा कदाचित, है ना। यह नियम है, इसे कोई बच नहीं सकता। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब हजारों बिच्छुओं शरीर में एक साथ डंक मारे, एक बिच्छू भी अगर यहां पे आ जाए ना, सब लोग उई मां उई सब करके भागेंगे, राइट। एक एक पैनिक मच जाएगा एक बिच्छू से बड़ा सा। पर आप सोचिए ऐसे हजारों बिच्छू एक साथ एक जगह डंक मारे तो कितना दर्द होगा। अगर हमारा स्मार्टफोन, एक छोटा सा हमारा पोजिशन है, वो हमारे साथ अगर ना हो, हमारे स्मार्टफोन अगर हमारे साथ ना हो 15 मिनट के लिए, हमें कितना विरह फील होता है, कितना एंग्जाइटी हो जाती है। वो एक गैजेट थोड़े समय के लिए हमारे पास नहीं है तो हमें कितना दुख हो जाता है। और मृत्यु में क्या है, सारे पोजिशन एक सेकेंड में खत्म, वो कुछ भी आपके साथ रहने वाला नहीं है। दुख होगा या नहीं बताइए। तभी भगवान बोले पहली वैराग्य ले लो, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, पहले ले लो। मृत्यु के बाद तो हर किसी को संन्यास लेना है, मृत्यु के बाद हर किसी को संन्यास लेना है, तो भगवान पहले से ही ले लो तो आपको दुख नहीं होगा। हाँ पहले मैं ये पहले का फिर कंप्लीट करके। तो मृत्यु के समय आप समझ गए, उम्र भर यहाँ पे लिखा हुआ है, उम्र भर में कमाए हुए धन से, उम्र भर में रहे हुए मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होगा, फिर उनके मिलने की संभावना नहीं रहती, तब आसक्ति के कारण बड़ा भारी दुख होता है। यही बिच्छू होते हैं, यही बिच्छू होते हैं माधव जी। बिच्छू जैसे मारे जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है। तुलना की गई है कि बिच्छू जैसे जितना डंक मारे उतना, तुलना की है, तुलनात्मक दृष्टि से बताया है, हजार बिच्छू का डंक मारे जितना दर्द होगा वैसे दर्द होता है। आसक्ति नहीं होगी तो प्रभुपाद कहते हैं द मोमेंट यू क्लोज योर आइज, डेथ, डिवोटी के लिए डेथ क्या है, इस कमरे से उस कमरे में जाना, सिंपल। द मोमेंट यू क्लोज योर आइज यू सी कृष्ण एंड यू गो बैक होम, बैक टू गॉड। हां यू आर हैप्पी टू गो, दे वांट टू गो। देखिए सारा कुछ, सारा खेल आपकी डिजायर का है, सारा खेल डिजायर का है। वो अलग कॉन्सेप्ट है माधी जी, उसमें तो लोग इतने दुखी हो जाते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं या मैं मर जाऊं जल्दी से, वो सोचते हैं, वो एक अलग सीन है। वो संसार से इतना दुखी हो जाते हैं भोग भोग के या शोषण करके, अब वो संसार से उस वजह से उनको वैराग्य आ जाता है, उस वजह से वैराग आता है, इतना इतना भोगा इतना एंजॉय फिर भी फ्रस्ट्रेट हो गया, इस वजह से भैया आप संसार को भोगना नहीं है। आसक्ति मन में से पहले जाता है, बाद में जाता है।
माता जी आसक्ति, देखिए गुड क्वेश्चन, मरते समय हमारा सूक्ष्म शरीर आत्मा को ले जाता है। सूक्ष्म शरीर मतलब माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो मन में आसक्ति होती है तो आसक्ति मन के साथ जाएगी, और जैसी आपकी डिजायर्स होती है उस हिसाब से कर्मों के हिसाब से शरीर मिलेगा, और जो आपकी डिजाइन है उस हिसाब से आप उसको पूरा करेंगे। डंक मारते होता वो तो कब पता चलता, बाद में पता चलता, पहले मृत्यु के समय। ओके ओके चलिए हरि नारायण प्रभु। आप ये पढ़ेंगे जिस धन को सुनिए। एक्चुअली माता जी डिटैचमेंट ना वही बात है, जैसे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लास में, ये चीजें अगर हम आर्टिफिशियली डेवलप करें हमारे अंदर डिटैचमेंट आ जाए, डिटैचमेंट आ जाए अटैचमेंट और बढ़ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको डूज पे फोकस करना है, आपको मन जो है इनमें लगाना है, क्योंकि भक्ति के दो बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य। तो जब हम भक्ति करते हैं ना एक्चुअली, तो ये चीजें अपने आप, ये जो गुरु भगवान बता रहे हैं 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, सारे स्वतः आ जाते हैं। एट द सेम टाइम हमें पता भी होना चाहिए भगवान बोल रहे हैं, तो हमें ये क्वालिटीज प्रयास भी करना चाहिए डेवलप, हमारे अंदर ये आ रही है नहीं, पर जब हम भक्ति करते हैं क्वालिटीज अपने आप आती हैं। जितना ज्यादा, जितना कम भोग होगा उतना ज्यादा योग होगा, और जितना ज्यादा भोग होगा उतना कम योग होगा। दोनों चीजें नहीं हो सकती, आप भोग भी करें और योग भी नंबर वन हो जाए। जितना भोग है उतना फिर चैंटिंग में मन, भक्ति में, भजन में मन नहीं लगेगा, मन दूर भागेगा। तो इसलिए मन मना भक्तो मज्या जी माम नमः शुरू, भगवान बोल रहे हैं। ओके ठीक है, तो आपने मृत्यु का कष्ट देखा, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। आप कष्ट आने से पहले आपको पता चल गया कष्ट है, ये तो लोगों को कष्ट मिलते समय पता चलता है ये कष्ट है, तो सोचिए, और एटलीस्ट हमें पता तो चल गया ये एक रास्ता है, समाधान है ये समस्या है। और देखिए बुरा ना मानिए, देखिए होता क्या है, जीवन की ये प्रमुख समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये जो मेन समस्या है उसको छोड़ के हम छोटी मोटी समस्याओं में उलझ के अपना सारा समय खराब कर देते हैं। उसने मेरे से ये कहा, उसने ये कैसे बोल दिया, उसने ये क्यों किया, उसने मेरा ये कर दिया, वो कर लिया, अरे बाप रे तुम्हारा वैसी मृत्यु सबसे बड़ी समस्या, उसको तुम भूल गए, भजन करना भूल गए, और तुम उसमें फंस के पूरा जीवन, अपना जीवन अधिकार में, दूसरे का जीवन, ये समस्या है बड़ी समस्या की। और भगवान बता रहे मेन समस्या ये है, और तुम छोटी छोटी चीज़ों में पड़ गए। तो हमें देखना है लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, उसकी ओर हमें फोकस करना है, नहीं तो सीरियसली मेरे लिए अभी सबके लिए इम्तिहान है। प्रभुपाद कहते थे लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर एंड एग्जामिनेशन दैट इज डेथ, और प्रभुपाद ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया, हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रभुपाद ने शरीर कैसे छोड़ा, श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करते हुए, भक्तों के संग में नाम कीर्तन सुनते हुए, कितनी अच्छी कॉन्शियसनेस में है ना, तो ये बहुत जरूरी है। तो हमें ये चीज़ें पे मेडिटेट करना चाहिए, इस तरह ही हम भक्ति में सीरियस हो, किसी कारण तो हो जो हमें भक्ति में सीरियस करे। अभी क्या है हमारे लिए, भक्ति ऑप्शनल है, भक्ति ऑप्शनल, आए गीता क्लास ना आए, आ गए तो ठीक है, घूमते घूमते आ गए, थोड़ा सुन लिया, अच्छा लगा, आज का लेक्चर अच्छा था, फिर किया नहीं किया, चैंटिंग कर ली नहीं की, कीर्तन बैठे नहीं किए, वी शुड बी सीरियस, इट इज, इट शुड बी मैंडेटरी, अदर थिंग शुड बी ऑप्शनल। ओके अगला क्या है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा, और आपको देखिए सबसे प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे एग्जांपल इसका सहारा, सहारा वाले क्या नाम था उनका, उसका नाम क्या था जैसे शरीर छोड़ा भी, सुब्रतो, तो उसने बॉडी छोड़ा, 500 करोड़ लगाए थे अपने बच्चों की शादी में, ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन, सारे अंबानी अमिताभ बच्चन सबको बुलाया था, वो बच्चे उसकी अर्थी को ढोने नहीं है। इसे बोलते हैं माया, इल्यूजन, ये नेटवर्क है इल्यूजन, हमें लगता है जिसके लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें रिटर्न देगा, नहीं होता, नहीं होता, अनलेस एंटल आप कृष्णा कॉन्शियस में, इटर्नल इन्वेस्टमेंट भक्ति का ही है। आज जो आपने टाइम दिया आधा घंटा एक घंटा श्रवण करने में, वो आपका इटर्नल इन्वेस्टमेंट हो गया, भगवान आपका याद रखेंगे, आज सीमा माता जी भी आई थी आज और एक घंटा आधा घंटा वो बैठी थी, नहीं सीरियसली कृष्णा रिमेंबर्स, कृष्णा को एक फूल देते हैं, कृष्णा आपको बगीचा दे देते हैं फूलों का, कृष्णा रिमेंबर्स, एक ये आया था, इसने उस गीता सुनी मेरे बारे में और इसने वैराग्य के बारे में सुना, जब तक हम सुनेंगे नहीं हमारे अंदर वैराग्य कहाँ से आएगा। पर अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो बच्चों को भी तो वो चीज भुगतनी पड़ती है ना, बच्चा हो बूढ़ा हो सबको भुगतनी पड़ेगी, अग्नि है उसमें हाथ, कोई बच्चा दे या बूढ़ा दे जलेगा ही, नियम तो नियम है, मैं हूँ कोई है, बट हाँ कोई अगर ब्राह्मण है जानता है फिर ये गलती करता है उसको ज्यादा दंड है एज कम्पेयर टू शूद्र, ये भी है वर्णों के हिसाब से भी, बट वी शुड बी, नाउ वी आर इन नॉलेजेबल, वी शुड डू भक्ति मोड, हाँ हाँ हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सुख और दुख मिलता है, उसी हिसाब से हमें परिवार वाले मिलते हैं, सज्जन स्वजन मिलते हैं, और उसी वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे कर्मों के, कोई किसी को दुख और सुख नहीं दे सकते संसार में, हमारे ही कर्म हमें सुख दुख देते हैं। क्योंकि उससे आप अटैच हो और वो आपको करेगा, आप उसे झेलोगे,
धृतराष्ट्र का देखिए दुर्योधन से अटैच था, हो गया ना काम। एक्चुअली माता जी छह प्रकार के जो माता जी बोल रही हैं गीता में पहले अध्याय में आते हैं, छह प्रकार के आतता ही होते हैं। उनको अगर आप मार भी देंगे तो आपको दोष नहीं लगता। कोई आपके घर में आग लगा दे, है ना, कोई किसी की वाइफ को ले जाए, कोई आपको मारने के लिए आए, तो उसको आतताइयों को मारते हैं तो कोई दोष नहीं है। माता जी देखिए क्या होता है उस केस में, अगर आपका डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है। यूजुअली अगर आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर आप टॉलरेट कर लेंगी माता जी, इट विल प्यूरीफाई यू और आप कृष्णा की ओर जाएंगी, आगे बढ़ेंगी। बट इफ यू उसी के लेवल पे आके हाँ, अगर वो शांत हो जाए तो हाँ, नहीं इंसानियत हमें कोशिश करना चाहिए, वही मैं करूँ सिनेरियो। हाँ माता जी मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमें इसके लिए सिनेरियो समझना पड़ेगा। मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल अभी हम बाहर जा रहे हैं, हम गए जीके थ्री के बाहर, दो लड़के लड़ रहे हैं, अब उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है ना, मैं उसमें घुसूंगा तो वो मुझे भी पीट देंगे, तो देर इज नो पॉइंट उसमें इन्वॉल्व होने का, ना वो मेरी सुनेंगे। तो डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है, दिस इज माय पॉइंट। सिनेरियो हमें समझना पड़ेगा, दिस इज वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन माता जी, जनरलाइज आंसर नहीं हो सकता इसका, राइट। हाँ बट माता जी आप जाके रोकती हैं, अगर आप रोक सकती हैं, आपके पास अथॉरिटी है रोक सकती हैं तो प्रयास करिए, नहीं कर सकते। मैं हाँ बिल्कुल, हमारे अंदर भावना होनी चाहिए दया की। देखिए असली क्या है, सुनिए ध्यान दीजिए, हमें समझना भूल जाते हैं पॉइंट, असली हित क्या है दूसरे का। अगर आप लड़ाई भी रोक लेंगे, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। असली हित है उसको भक्ति देना, उसको इंटरनली स्ट्रांग करना, कृष्णा से जोड़ना, असली हित है। कोई जेल में बंद है, आप जेल में दो ब्रेड दें, इज इट अ रियल हित, और उसको चाबी दे दें निकालने की, चाबी देना रियल हित। हमें समझना है, हम सोचते हैं मेटीरियल लेवल पे खेल के वी आर सेटिस्फाइड, हम दिखा रहे हैं अपनी क्वालिटीज, दैट इज ऑल्सो गुड, बट अल्टीमेट बेनिफिट उसे जेल की चाबी देकर निकाल देना, वो है शीला प्रभुपाद ने किया सबके पास। हम मैं भी लड़ाई कर रहा होता, मैं भी बहुत लड़ा कर रहा, बट प्रभुपाद नहीं मिलते, मैं अभी तक पागल हो चुका होता। प्रभुपाद ने हित किया है ना, वो हमें समझना है। गीता देना है, गीता का ज्ञान देना, हरे कृष्ण महामंत्र देना है, भगवान से जुड़ना है, वो असली हित है, तो उसे आप जेल से निकाल रहे हैं। सॉरी माता जी, हाँ बट एटलीस्ट वी शुड बी नॉलेज कि उसका हित असली ये है कि गीता देना। और प्रभुपाद ने बोल सकते हैं जो भक्ति नहीं दे सकते, यू गिव देम माई बुक्स। प्रभुपाद बोलते हैं आपके दो वक्त का, दो मिनट का प्रचार क्या करेगा, आप मेरी बुक दे दो, वो बुक जो लिखा है उसमें दो शब्द ही पढ़ लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। और सो मेनी पीपल हैव बिकम डिवोटीज जस्ट बाय रीडिंग श्रीला प्रभुपाद बुक। पूरे इंटरनेशनली पूरे स्कॉन में वर्ल्ड वाइड गीता जयंती मैराथन होता है, जिसमें प्रभुपाद की बुक्स पूरे विश्व में बांटी जाती है। लोग सड़क में उतर के बांटते हैं बुक, क्योंकि मालूम है कोई लेने वाला नहीं है, तो लोग उतर दे आउटरीच पीपल। लोगों को लगता है स्कॉन वाले पागल हैं, बट स्कॉन वाले पागल नहीं है। हमने लास्ट गीता क्लास में देखा था अहिंसा असली मतलब क्या है, प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, अहिंसा मतलब है दूसरे के हित के लिए कार्य करना, और असली हित है उसको जेल से निकालना, जेल में ही ब्रेड देना, जेल में ही अच्छे सूट बूट देना उसको, इसका मतलब जेल में आप सुख दे रहे हैं। व्हाट इज अल्टीमेट बेनिफिट, वो दुखी रहेगा, जन्म मृत्यु जराबाजी से नहीं बच रहा, तो असली सुख है उसे जो है जेल से निकालना, उसे भगवान की भक्ति देना, उसी से उसकी आत्मा तृप्त होगी, और कोई संसार में चीज ही नहीं है जो उसे सेटिस्फाई कर सकते। सो वी शुड बी ऑलवेज ईगर टू गिव एवरीवन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, दैट इज आइडिया। तो इस चीज़ को माता जी बार बार रखें माइंड में, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम दो लड़ाई करें उनका हित करें, रोके लड़ाई, एट द सेम टाइम वी ट्राई टू गिव देम प्रसादम, ट्राई टू गिव देम अ स्मॉल बुक, अगर वो पढ़ के वो बदल जाए ना, तो उसका वो हमेशा ही बदल जाएगा फिर। और क्या है माता जी, हमारा प्रयास क्या रहता है, इस प्रयास से चाहे उसे नहीं भी चाहिए मार्ग, हम जब कर रहे हैं ना, वी आर प्लीजिंग कृष्णा, दैट इज अ गोल। हम अपना कर्मण्य वादिगास्ते मा फलेषु कदाचित्, अपना कर्म करो फल की इच्छा ना करो। हम यहाँ पे डेली कीर्तन करते हैं 8:30 तक, कितने लोग होते हैं, शायद 3 लोग होते हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं कीर्तन, आर गोल इज टू प्लीज कृष्णा। सॉरी माता जी, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे हम यहाँ पे आते हैं मंदिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभु का नाम तो हम लेते हैं, तो क्या हमारे लिए भी वही सजा है जो उन लोगों के लिए जो ट्रैवलिंग करते हैं। माता जी आपके लिए वो सजा नहीं है, आप तो
माधुरी जी, इसके लिए मैंने शुरू में बताया था जो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज है, इसमें आप खुद देख लीजिए आपके अंदर ये क्वालिटीज कितनी है। अमानित्वम देख लीजिए कितना है, अधमवित्वम कितना है, अहिंसा कितना है, टॉलरेंस कितनी है, है ना, सेल्फ कंट्रोल कितना है। चाट पकौड़ी सामने आई तो जीवा में पानी आया नहीं, खुद यू कैन एनालाइज, तो दैट मच यू कैन सी। स्थिरता कितनी है जप में, जप में स्थिरता भी तो होनी चाहिए, वो कितनी है, तो खुद ही एनालाइज हो जाएगा। और फिर हम भक्तों से पर्सनली पूछ लें, हमारे प्रभु जी गाइड करें, तो उस तरह से हमें थोड़ा हेल्प मिल सकती है। बट वी शुड बी वेरी सीरियस, ये जीवन है, अनमोल है। मतलब प्रभुपाद जी बोलते थे मनुष्य जीवन, मतलब मान लीजिए आपका एक पर्सनल हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर को आप सड़क पे चलाओ, इज इट इंटेलिजेंस? तो मानव जीवन है, ऐसे हम काम वही करते हैं जो पशु भी कर सकता है। तो मानव जीवन, हमें हेलीकॉप्टर जैसा इंपॉर्टेंट बॉडी मिला है, इसको वी शुड यूज इट फॉर द हायर गोल अबाउट कृष्णा, अदरवाइज लाइफ पता नहीं फिर भगवान कब कैसे क्या होगा, आगे अगले जन्म में कौन से ब्रह्मांड में, कौन सी माँ के गर्भ में, कौन सी सिचुएशन में, कौन से कलयुग में कहाँ जन्म होगा, कैन वी डिसाइड दैट? सो दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन वी शुड आस्क आवरसेल्फ। ये नहीं है कि गीता क्लास आगे अटेंडेंस होगी, वो सब नहीं, हमें सोचना चाहिए इट्स अबाउट मी, गीता क्लास इज अबाउट मी, अबाउट माई डेवलपमेंट, है ना, तो दैट वेज। ओके, और किसी का लास्ट कोई डाउट या सवाल? क्लियर?